हेलो स्टूडेंट्स, सुधीर सर की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के न्यूमेरिकल के बारे में स्टडी करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो न्यूमेरिकल जो है मैंने इसकी पीडीएफ आपको अभी सेंड कर दी है। और सबसे पहले आप सभी वॉच करना शुरू कर दीजिए ध्यान से। हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एफसी पर, ठीक है। गिवन क्या है, वो एनडीपीएमपी जो है गिवन है, वो हमारा 80,000 है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो है मैंने आपको बताया था कि ध्यान से देखिए कि हमें एन को किस में कन्वर्ट करना है, जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब इसको जी निकालने के लिए अभी फार्मूला आप जरा ध्यान से देखिएगा क्या है। नेट में यदि हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो ग्रॉस निकल कर आ जाता है, जी निकल कर आ जाता है। तो डेप्रिसिएशन हमारा गिवन कितना दे रखा है, वो है 4,950 दे रखा है। अब ये प्लस कर देंगे तो कितना आ गया, 84,950 आ गया, राइट। अब हमारा जो है एन जो है वो जी में कन्वर्ट हो गया, तभी यहां पर ये जी बन गया। बाकी लेटर वैसे के वैसे हैं, डी पी एम पी। अब सेकेंड लेटर हमारा क्या है, डी है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, एन में कन्वर्ट करना है, राइट। अब एन में कन्वर्ट करने के लिए जरा फार्मूला यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा। डोमेस्टिक में हम एनएफआई के जोड़ दें तो नेशनल लेटर का आ जाता है। हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितनी है, 200 दे रखी है, लेकिन ये माइनस में दे रखी है। लेकिन यहां पर अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये प्लस में होना चाहिए। अब माइनस कैसे शो करते हैं, इकोनॉमिक्स में माइनस को ब्रैकेट में शो करते हैं, ठीक है। अब हमने इसको जो है माइनस कर दिया 200 को, तो अब हमारा कितना निकल कर आ गया, 84,750, ठीक है। तो अब हमारे कितने लेटर क्लियर हो गए, जी एन पी, क्योंकि पी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पी हमारा पैरेलल रहता है, कोई चेंजेस नहीं होती है। अब हमें क्या निकालना है, एमपी, एमपी को किस में कन्वर्ट करना है, एफसी में। तो इसका फार्मूला क्या है, एमपी में हम एनआईटी घटा देंगे तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, एफसी। अब इसके लिए क्या होगा, एनआईटी निकालना होगा, एनआईटी में इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी घटा देंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए आप सभी, 10,600 दे रखा है, इसमें हमने सब्सिडी घटाई कितनी, 1,770 रुपीज की। अब माइनस करके कितना आया, ध्यान से देखें आप, 8,830 रुपीज, ठीक है। अब इसको हमने जो है इसमें से माइनस कर दिया, कितना निकल कर आ गया, 75,920 करोड़ रुपीज, ठीक है। अब इसको एक बार फिर रिपीट करके भी वीडियो देखिएगा, तब ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, ओके।